हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करता हूँ टेक गुरुजी के इस नए एपिसोड में। मेरा नाम है सुधीर पटेल। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो मिस कॉल का रिप्लाई करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करूंगा जो चीजें आपके साथ हो सकती हैं या फिर दोस्तों आपके साथ हो चुकी है, और आपको मैं बताऊंगा इसके पीछे रीजन क्या है और आपको कैसे सावधानी बरतनी है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मिस कॉल का रिप्लाई करते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ये मिस कॉल का सच। दोस्तों, आमतौर पे अगर आपको किसी अननोन नंबर से अगर मिस कॉल आता है तो आप उसको क्या करते हैं? जी हाँ दोस्तों, जरूर आप उसका रिप्लाई करते होंगे। और ये दोस्तों, अगर मैं ह्यूमन टेंडेंसी की बात करूँ तो दोस्तों 2% ऐसे लोग हैं जो रिप्लाई नहीं करते, अदरवाइज दोस्तों 98% पीपल उस मिस कॉल का रिप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप उस मिस कॉल का रिप्लाई करते हैं तो आप दोस्तों एक स्कैम का फंस जाते हैं। दोस्तों, जिसको अगर हम कहेंगे तो वन रिंग स्कैम या फिर दोस्तों मिस कॉल स्कैम कहना गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इसमें होता क्या एक्चुअली। और जब भी दोस्तों आपको कोई अननोन नंबर से मिस कॉल आता है और आप उस मिस कॉल को रिप्लाई करते हैं, कॉल बैक करते हैं, तो आपको दो या तीन चीज़ें अगर होती है तो प्लीज़ सतर्क हो जाइएगा। नंबर वन, आपको फ़ोन इंगेज मिलेगा। नंबर दो, या फिर आप कॉल करने के टाइम जब आप कॉल लगेगा तो उस समय कुछ गाने सुनाई देंगे। नंबर तीन, हो सकता है कोई लेडी पर्सन से आप बात कर पाएँ, जब वो बात करेंगे तो आपको कुछ ऐसे लुभावने बात करेंगे जिससे आपको लगे कि ये कुछ अलग तरीके का, आप उस टाइम से काफ़ी देर तक उससे बात करना चालू कर देंगे, तो वही दोस्तों आप उसके स्कैम में फंस जाएंगे। तो ऐसा होता क्या है दोस्तों, जब आप उससे बात करते हैं पोस्टपेड में, दोस्तों ये नहीं पता चलता है क्योंकि उनका जो बिल साइकिल होता है, जब उनकी बिल आती है तब उनको पता चलता है कि उनका बिल जो नॉर्मली जो 500 आता था अचानक से 2000 पहुंच जाता है। नॉर्मली जो प्रीपेड जो कस्टमर्स होते हैं उनको फटाक से मालूम पड़ जाता है क्योंकि ऑटोमेटिकली बैलेंस कट जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसमें जो अमाउंट होता है करीब 500 से लेके दोस्तों 1000-1500 कितना भी अमाउंट दोस्तों कट सकता है, डिपेंड करता है कि आप उस फोन कॉल पे कितने टाइम तक आप रुके थे। ये आप विश्वास नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी मेरे साथ हो चुका है। मेरा पोस्टपेड कनेक्शन था, मुझे कॉल आया था, बाद में फिर फ़ोन कट गया, फिर मैंने उसको कॉल बैक रिप्लाई किया तो अचानक से कॉल वेटिंग पे था, सडन किसी लड़की ने उठाया फ़ोन, मैं उसके बात करने लगा और अचानक से किसी लड़की को उसने ट्रांसफ़र कर दिया। तो ऐसे करते ऑलमोस्ट मैं 3 से 4 मिनट उस कॉल पे था और पोस्टपेड कनेक्शन था तो दोस्तों मुझे कुछ पता नहीं चला। लेकिन जब मंथ एंड पे जब मुझे बिल आया तो नॉर्मली जो मेरा बिल 800 के करीब में आता था, वो उस टाइम मेरा बिल आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, मुझे 4500 का बिल आया। तो अब आपको मैं बताऊंगा दोस्तों, ये मिस कॉल देता कौन है और उससे उनको फ़ायदा क्या होता है और ये कौन लोग होते हैं। दोस्तों, जो हैकर्स और स्पैमर्स का ग्रुप होता है ये आउट ऑफ इंडिया, दोस्तों इंडिया के बाहर होते हैं, वहाँ से जो मिस कॉल आती है वो मिस कॉल और दोस्तों कनेक्ट होता है हॉटलाइन ऑफ एडल्ट एंटरटेनमेंट सर्विस। तो आपको मैं बताऊंगा दोस्तों, ये एडल्ट हॉटलाइन सर्विस होती क्या है। आपने दोस्तों बहुत सारे वेबसाइट पे देखा रहेगा जहाँ पे लिखा रहेगा कि आप इस नंबर पे कॉल करिए और मुझसे बात करिए, मज़े लीजिए, ऐसे टाइप के जो वीडियोस होते हैं, बहुत सारे पॉन्स वेबसाइट, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट पे ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, वो जो नंबर्स होते हैं वो बाहर विदेशों में ऐसे हॉटलाइन एंटरटेनमेंट सर्विसों से कनेक्टेड रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप वो नंबर पे कॉल करते हैं ऑटोमेटिकली वो जो सर्विस है वो एक्टिव हो जाती है और जो उनका चार्जर रहता है वो ऑटोमेटिकली पे करना पड़ता है। तो एग्जांपल मैं बताता हूँ, सपोज़ मानिए कि वो अगर नंबर अमेरिका से कनेक्टेड है तो अमेरिका का जो चार्ज रहेगा दोस्तों वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर वो लंदन से कनेक्टेड है तो लंदन का जो चार्ज रहेगा तो वो आपको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। जब भी आपको किसी अननोन नंबर से मिस कॉल आता है तो दोस्तों आप 2-3 चीज़ों पर ध्यान रखिएगा कि आप उस नंबर को उठाएं ना और आप उस नंबर से कॉल बैक ना करें। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं, ट्रू कॉलर, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसका यूज़ करके आप पता कर सकते हैं कि ये नंबर एक्चुअली किसका नंबर है। और अगर वो नंबर अगर स्पैम में दिखाता है तो प्लीज़ कॉल बैक मत करिएगा। याद रखिएगा, अगर वो नंबर स्पैम में दिखाता है तो कॉल बैक मत करिएगा। दोस्तों, मेरे स्क्रीन पे आपको कुछ नंबर दिख रहे होंगे, ये नंबर से अगर आपको कॉल बैक आते हैं तो प्लीज़ आप उस नंबर पर कॉल बैक मत करिएगा। इसके अलावा दोस्तों, ट्राई ने भी बताया है
कि +92 और +375 से नाम के स्टार्टिंग से नंबर से अगर आपको कॉल बैक आता है तो आप उस नंबर्स को ना उठाइए। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे नंबर से अगर आपको कॉल बैक आता है तो प्लीज आप उस नंबर को ना उठाइए और ना ही दोस्तों कॉल बैक करिए, कि हो सकता है अगर आपको कॉल बैक करते हैं तो आपको पैसे कट जाएंगे। तो दोस्तों ये जस्ट छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता था। अगर इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच।